गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने EVS के अंदर एक चैप्टर स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस। आई होप सो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं, इससे आगे हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें, हमने पढ़ा न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होता है और जॉइंट फैमिलीज क्या होता है। न्यूक्लियर फैमिलीज में एक या दो बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं, जबकि जॉइंट बिग फैमिली के अंदर होता है दादा दादी यानी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। और जो बिग जॉइंट फैमिलीज होती हैं उसके अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंटी, उनकी फैमिलीज और उनके भी बच्चे होते हैं, यानी कि दो या तीन पीढ़ी एक साथ रहती हैं, वो जॉइंट बिग फैमिली कहलाती है। इसके अलावा अब फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही है, कम होते जा रहे हैं, यानी कि जो भी फैमिलीज़ हैं जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर होते जा रहे हैं। इसका कारण है माइग्रेशन, सिक्रेसिटी ऑफ स्पेस और बहुत से अदर्स रीज़न जिसके कारण से फैमिलीज आज न्यूक्लियर हो रही है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि पहले के समय में जो भी फेस्टिवल्स होते थे वो कितना इन्जॉय करके बनाया जाते थे, लेकिन आजकल वो फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं और लोग बाग इतना इन्जॉय नहीं कर पाते हैं, इतना ट्रेडिशनली उनको सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि फैमिलीज़ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, क्या रीजंस हैं। तो यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है, जिसमें पहला रीज़न है माइग्रेशन। वन डे ऑल ऑफ अस सेट अराउंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, वी वांटेड टू नो मोर अबाउट आवर फैमिली। माय ग्रैंडफादर टोल्ड अस दैट ही वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, नाउ इन पाकिस्तान। ही कम्प्लीटेड हिज स्कूलिंग इन लाहौर। इन 1947 इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड पैट्रियट लुक प्लेस द एंटायर फैमिली हैड टू माइग्रेट। अब क्या हुआ, एक दिन जो भावना थी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठी हुई थी, वो सब एक साथ बैठे हुए थे ग्रुप में, वी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट आवर फैमिली। और जो भावना थी वो लोग सब और उनके जो पेरेंट्स थे या उनके जो उसका जो भाई था वो और भी जो बच्चे थे सभी, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जानना चाहते थे कि अपनी परिवार के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में वो बहुत कुछ जानना चाह रहे थे। उनके फादर ने, उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने उनको बताया कि वो लाहौर में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है। ही कम्प्लीटेड हिज स्कूलिंग इन लाहौर, उन्होंने वहीं पैदा हुए थे, वहीं से उन्होंने अपनी जो भी शिक्षा थी, जो भी स्कूलिंग थी, वो वहाँ से पूरी की थी। इन 1947 इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड पेट्रोइड, जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तब क्या हुआ था, लोग क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, डिवाइड हो गए थे, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गए थे। तो उस टाइम में क्या था, इनकी जो फैमिली थी वो क्या हो गई थी, माइग्रेट हो गई थी, यानी कि वो बट गए थे, वो लोग इधर से पाकिस्तान से सब कहाँ आ गए थे, इंडिया आ गए थे। लीव देयर होम एंड मूव परमानेंटली टू अ न्यू प्लेस, यानी कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं उस जगह को पूरी तरह से छोड़ देना और नई जगह पर अपना घर बना लिया था उन्होंने, यानी कि वो परमानेंटली वो शिफ्ट हो गए थे नए घर, नए प्लेस पर। फ्रॉम लाहौर टू राजकोट, अब वो लाहौर से कहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, राजकोट। दे हैड टू लीव बिहाइंड ऑल देयर बिलोंगिंग एंड प्रॉपर्टी इन लाहौर, जो भी उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी या जो भी उनका जो भी कुछ था वो सब कहाँ रह गया था, लाहौर में रह गया था। इसके बाद आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, माय यंगेस्ट अंकल इज अ डॉक्टर, इसके जो छोटे चाचा हैं वो क्या थे, वो क्या है भावना के, डॉक्टर हैं। ही कम्प्लीटेड हिज हायर एजुकेशन इन USA और उन्होंने अपनी पूरी जो भी हायर एजुकेशन है वो USA से कम्प्लीट की थी। माय आंट इज ऑल्सो डॉक्टर, उनकी जो आंटी हैं वो भी क्या है, डॉक्टर हैं। दे हैव वन चाइल्ड, उनका एक बच्चा है जिसका नाम है निशांत। दे लिव इन USA एंड ऑफ्टन कम टू इंडिया टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर एंटायर फैमिली, लेकिन वो USA में रहते हैं, लेकिन वो बीच बीच में उनके ग्रैंड पेरेंट्स और
उनकी जो फैमिली है उनसे मिलने आते रहते हैं। तो इमिग्रेशन का मतलब हो गया है कि समय समय पर वापस आना किसी से मिलने, या परमानेंटली नहीं होता है। माइग्रेशन में क्या होता है, परमानेंटली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि इमिग्रेशन में क्या होता है कि कुछ समय के लिए अपनी जगह को छोड़ करके आना। ट्रांसफ़र, माय फादर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, ही गेट ट्रांसफर्ड एवरी ईयर 3 years, सो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी हैव ट्रैवल टू मैनी प्लेसेस एंड रिसीव्ड एजुकेशन इन डिफरेंट स्कूल। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि आप कुछ समय के लिए कहीं जैसे कोई जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो कुछ समय के लिए वो एक जगह पर काम करते हैं, फिर उनको दूसरी जगह भेज दिया जाता है उनको काम करने के लिए, दूसरी कंपनी में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जो शिफ्टिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह, कुछ समय के लिए रहते हैं फिर शिफ्ट हो जाते हैं पूरी फैमिली के साथ, वो कहलाता है ट्रांसफ़र। तो आप तीनों चीज़ें समझ गए होंगे कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन होता है परमानेंटली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। इमिग्रेशन होता है कि किसी से मिलने के लिए बीच बीच में आते रहना फिर वापस अपने घर चले जाना। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम तक किसी भी प्लेस पर रहना फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना किसी जॉब के कारण। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे सब कि एक जगह से दूसरे शिफ्ट प्लेस से प्लेस शिफ्ट होना क्या कहलाता है। अब इसके बाद आता है फोस्टर पेरेंट्स एंड अडॉप्टेड चाइल्ड। फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं, जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं या गोद लेते हैं, जो बच्चों को पालते हैं, ठीक है, वो होते हैं फोस्टर पेरेंट्स। और अडॉप्टेड चाइल्ड का मतलब होता है किसी चाइल्ड को गोद लेना या किसी को अडॉप्ट करना। ओके, तो निकिता इज अ अंकल, निकिताज अंकल लिव इन मुंबई। निकिता के जो अंकल हैं वो मुंबई में रहते हैं। अर्लियर हर अंकल एंड आंट डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड। उसके जो अंकल आंटी हैं उनके कोई भी बच्चे नहीं हैं। दे लव चिल्ड्रन, उनके बच्चे बहुत पसंद हैं। निकिताज फादर एडवाइज दैम टू अडॉप्ट अ चिल्ड्रन सो दे वॉन्ट टू अ ऑर्फेज। उन्होंने, निकिता के फादर ने उनको एडवाइस दी, निकिता के अंकल को, कि वो एक बच्चे को गोद ले लें, अडॉप्ट कर लें, और इसलिए वो लोग ऑर्फेज गए, अनाथ आश्रम गए। ऑर्फेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम। तो वो अनाथ आश्रम गए जहाँ से उन्होंने बच्चे लिए। अनाथ आश्रम वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी बच्चा, किसी के पेरेंट्स उनको छोड़ जाते हैं किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, उनको पाला जाता है, ठीक है। वहाँ से निकिता के जो अंकल आंटी थे उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। दे हैव बिकम हर फोस्टर पेरेंट्स, वो उसके अब पालन पोषण करने वाले पेरेंट्स बन गए थे। टुडे शी इज 9 years old। उन्होंने उस एक बच्ची को गोद लिया, एक गर्ल को उन्होंने गोद लिया, अडॉप्ट किया, उसका नाम मोनिका रखा। अब वो उसके पेरेंट्स हो गए थे। टुडे शी इज 9 years old, आज वो 9 year की है। शी इज स्टडिंग इन 4th class, अभी वो 4th class में पढ़ रही है। अ रेपुटेटेड पब्लिक स्कूल, और एक अच्छे पब्लिक स्कूल, एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसके पेरेंट्स उसको पढ़ा रहे हैं। शी इज़ द सेंटर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन हर फैमिली, वो अपने परिवार का एक मतलब एक खुशी का जरिया है, जिसमें मतलब उस बच्चे के आने से उनके घर में बहुत रौनक हो गई है। निकिता एंड मोनिका आर कजन सिस्टर, निकिता और मोनिका दोनों कजन्स हैं, दोनों चचेरी बहनें हैं। दे प्ले टुगेदर वैन दे मीट, जब वो एक मिलते हैं तो वो एक साथ खेलते हैं। वैन लीगल प्रोटेक्शन टू गिवन टू एनी रिलेशन चाइल्ड और मैनी अदर चाइल्ड इन इट इज़ कॉल्ड अडॉप्शन। लीगल तरीके से, ठीक है, किसी भी मतलब कानूनी तरीके से किसी बच्चे को प्रोटेक्शन देना, उसको गोद उसको रखना अपने पास, किसी भी रिलेटिव के बच्चे हो या कोई भी बच्चा हो, उसको लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से प्रोटेक्शन में लेना अडॉप्शन कहलाता है। ओके, आप समझ गए होंगे अडॉप्शन का मतलब क्या होता है। इसके बाद है न्यू मेंबर इन द फैमिली। अब क्या होता है, ये तो एक तरीका हो गया कि अडॉप्ट हो गया। दूसरा तरीका होता है कि कोई नया मेहमान या कोई भी न्यू बॉर्न बेबी हमारे घर में आना, वो होता है न्यू मेंबर इन द फैमिली। वंदना इज़ वेरी हैप्पी टुडे,
हर फादर इज ऑल्सो हैप्पी। वंदना बहुत खुश थी और उसके फादर भी बहुत खुश थे। देयर इज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन हर फैमिली। इनके परिवार में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज्यादा खुशियां थी। वंदनाज ग्रैंड फादर्स हैव अ कम टू स्टे विद देम टू लुक आफ्टर हर मदर। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज ओवर जॉयड टू हैव अ बेबी एट होम। वंदनाज ग्रैंड पेरेंट्स, जो वंदना के जो दादा दादी थे, वो उसकी मदर की देखरेख के लिए उनके पास ही रुके हुए थे, जो कि जिसके कारण से अब उनके घर में एक नया मेंबर जो आ गया था, जिससे कि पूरे घर में बहुत खुशी का माहौल है। वंदना नाउ हैज अ ब्रदर। वंदना के पास है अब एक छोटा भाई है। शी हैज अ नेम्ड हिज हिम रवि। उन्होंने उसका नाम रवि रखा है। ही रिजेंबल हर फादर एंड स्माइल लाइक हर मदर। वो अपने फादर की जैसे दिखता है। रिजेंबल मतलब दिखना, मतलब उसके जैसे कुछ कुछ दिखते हैं अपने फादर की जैसे, और उसकी जो स्माइल है वो उसकी मदर की जैसी है। वंदना लव हर ब्रदर वेरी मच। वंदना अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शी हेल्प हर मदर एंड फादर लुक आफ्टर हिम। और वो जो उसके जो छोटा भाई है, न्यूबॉर्न भाई ब्रदर है, उसकी वो देखभाल करने में अपने पापा मम्मी की हेल्प करती है। ठीक है, शी सिट्स हिम इन हर लैप। वो उसको अपनी गोदी में बैठाती है। शी हेल्प इन चेंजिंग हिज क्लोथ। उनकी कैसे मदद करती है, उनके क्लोथ्स उसके कपड़े बदलने में हेल्प करती है। नाउ वंदना हैज वन मोर फैमिली मेंबर। अब वंदना के घर में एक नया मेहमान और जुड़ चुका है। हर फैमिली कंसिस्ट ऑफ हर न्यू बॉर्न ब्रदर रवि, फादर एंड ऑफकोर्स वंदना हर सेल्फ। उसके जो भाई है उसकी, वो भी अब वंदना के मम्मी पापा, मतलब रवि के भाई भी अब वंदना के मम्मी पापा जो हैं, वो रवि के भी मम्मी पापा हैं। ठीक है, वो भी ये समझ गई है। वंदना फैमिली इज स्मॉल फैमिली, इट इज़ ए न्यूक्लियर फैमिली। वंदना की जो परिवार है वो छोटा परिवार है, या न्यूक्लियर फैमिली भी हम उसको बोल सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट वंदनाज मदर लिव्ड इन अ बिग जॉइंट फैमिली वैन शी वॉज यंग। लेकिन जो वंदना की मदर हैं वो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हैं, यानी कि वो जॉइंट फैमिली में रहा करती थी जब वो छोटी थी, या जब वो पढ़ती थी स्कूल टाइमिंग में, या जब शादी से पहले वो जॉइंट फैमिली में रहती थी। शी हैड थ्री ब्रदर्स एंड टू सिस्टर। उनकी तीन बहनें और तीन भाई और दो बहनें हैं। ओके, चलिए इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं थिंक एंड आंसर्स में। इफ यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड योर मदर गोज आउट ऑफ स्टेशन ऑफ टू और थ्री डेज, देन हाउ वुड यू फील। आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और आपकी मदर दो तीन दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन चले जाएंगे, तो आप कैसा फील करेंगे, ये आप अपने व्यूज लिखेंगे। फॉर टेकिंग केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन हूज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश स्कूल्स, ऑर्फनेज, हॉस्टल्स। Have a discuss with your teacher about the same। जो बच्चे जिनके पेरेंट्स मर जाते हैं या जिनके पेरेंट्स इनको छोड़ देते हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल्स और ऑर्फेंज, अनाथ आश्रम और हॉस्टल्स खोले हैं, तो आप ये डिस्कस करेंगे। जब अपन स्कूल खुल जाएंगे तब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है टेक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिलीज बनने का क्या कारण है, माइग्रेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। कौन सा होगा, माइग्रेशन। माइग्रेशन के कारण क्या हो रही है, फैमिली न्यूक्लियर हो रही है। पीपल हु अडॉप्ट चाइल्ड और चिल्ड्रन बिकम, जो लोग किसी बच्चे या बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, फोस्टर पेरेंट्स, आंट और अंकल, नन ऑफ दिस। कौन से होते हैं, फोस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। ओके, तो आज हमने यहाँ तक का ये चैप्टर फिनिश किया है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब तो लास्ट रह चुका है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।